नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुख करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मथुरा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा शासन की मंशा के अनुरूप संपन्न कराना जिला प्रशासन का मुख्य बिंदु है। इसको लेकर मथुरा छावनी स्थित सेठ बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज, आर्य समाज इंटर कॉलेज विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों ने बताया। इस दौरान परीक्षार्थियों का कहना था कि परीक्षा के दौरान कोई भी परेशानी नहीं हो रही, जिला प्रशासन की तैयारी अच्छी है। देर रात सारी व्यवस्थाओं को जनपद मथुरा के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, एसएसपी शैलेंद्र कुमार पांडे ने पहनाया अमली जामा। देखिए जनपद मथुरा से कृष्ण गुप्ता के साथ। योगी आदित्यनाथ की मंशा है और आप आज सेठ बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर ये देखो, ये जो नज़ारा है, यहाँ हमारे साथ है कुछ लोग हैं। आप कहाँ से आए? परीक्षा देने आए हैं, अपने अभ्यर्थी के साथ आए हैं। तो क्या लगता है, जहाँ एक और जिला प्रशासन अलर्ट है तो वहीं परीक्षा में कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, और आप कहाँ से आए हो? कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। उम्मीद की क्या किरण नजर आ रही है आपको? बढ़िया ही नजर आ रही है, बढ़िया। अच्छा, और ये देखो आप कहाँ से आए? मैं गिरिराज जी बोल रहा हूँ। बोलो गिरिराज। तेरे माथे मुकुट गिरिराज है, तेरे सब संकट कट जाए, पूजा कर गोवर्धन की। गिरिराज राज और मस्तक लगे। नहीं, कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बता। ये जय जयकार हो रही है आज सेठ बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज में आए परीक्षार्थी परीक्षा देने। गिरिराज बाबा और बंसी वाले की कृपा जहाँ पे हो गई, उसका हो गया उद्धार। अब देखना होगा कि जो परीक्षार्थी यहाँ पर आए हैं उनकी इस परीक्षा पर उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप मथुरा के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह और एसएसपी शैलेश कुमार पांडे की मंशा है कि कोई भी परीक्षार्थियों में दिक्कत ना हो। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों ने कल देर रात काफी कमर कसी है, पूरी पूरी रात ये अभ्यर्थी अपनी उन किताबों से गहरा नाता रखते थे। अब देखना होगा कि जो परीक्षा हो रही है यहाँ पर उसको लेकर ये परीक्षार्थियों को कौन इस परीक्षा में जो है सफल हो पाता है और क्या होता है अब देखते हैं आगामी समय में। मसलन यहाँ पर जो जिला प्रशासन है पूरी तरह से अलर्ट है, जिले के खुद अधिकारी कमान संभालते हैं और अब देखना होगा कि इस परीक्षा को लेकर कौन कहाँ तक पहुँचती है, कितनी डगर। मथुरा से कृष्णा गुप्ता। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।